हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। गाइस, मैं लेके आया हूँ एक पावरफुल बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है, उन तमाम रिटेल ट्रेडर्स के लिए, खासकर स्पेशली जिनको मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं न्यू ईयर पे या फिर उन हाईली डिमांड थी इसलिए मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी चूज करी थी। और हाँ, परसों होली भी है, तो एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी होली, खूब सारी हार्दिक बधाई। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे। इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहली चीज ऑप्शंस बैंक निफ्टी में सिर्फ बाइंग करने का सोचेंगे। यहां पे हम राइटिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस कहीं पे हम फंसे तो हम इसमें एक ही सिंगल मेथड है हेजिंग का, वो भी अप्लाई करके अपने आप को सेव करने के लिए सोचेंगे। इस स्ट्रेटेजी में मोर देन 500+% ROI मंथली बेसिस पे इजीली वी कैन अर्न विद द हेल्प ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूं जिससे कि आप खुद जज कर सको कि कितनी पावरफुल नहीं है। अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएट बेसिस पे लाइक और सब्सक्राइब कर दे जिससे कि, और बेल आइकन को जरूर दबा दे जिससे कि मेरे आगे आने वाली और भी जो यूट्यूब में स्ट्रैटेजी देने वाला हूं वो आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सके। आवर मोटो, लर्न एंड देन अर्न, इस मंत्रा के साथ मैं ये स्ट्रैटेजी आपको देना चाहता हूं। गाइस, एक ही चीज याद रखना, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। अपने थॉट प्रोसेस को थिंक लाइक अ बिग शार्क। जिस दिन आपने सोचना चालू कर दिया पैसा अपने आप बनेगा। 20% एडवांस में बता रहा हूं, काट दियो। सो बैंक निफ्टी नो लॉस ऑप्शन इंट्राडे स्ट्रेटजी। आई एम अ सभी रेशर रिसर्च एनालिस्ट हैविंग 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट, कमोडिटी करेंसी, फॉरेक्स। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटजी मेकर, ऑलरेडी 10 से 15 स्ट्रैटेजीज आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं। ऊपर देखिए एक आई बटन, वहां पे आपको मिल जाएगा। आइए अपने रूल्स के साथ, किंग्स मंत्रा के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। रूल ऑफ लाइफ इज सिंपल, हंट और गेट हंटेड। अब आपको डिसाइड करना है शिकारी बनना है या फिर शिकारी बनना है या फिर खुद किसी का शिकार बन जाना है। गाइस, स्टॉक मार्केट की दुनिया को अगर मैं कोरिलेट करना चाहूं, अगर आपका लॉस है मेरा फायदा, अगर मेरा लॉस है तो आपका फायदा। यानी कि अगर आप कमा रहे हो कोई ना कोई गवा रहा है, और अगर आप गवा रहे हो तो कोई ना कोई तो कमा रहा है। आप डिसाइड करो कमाना है या गवाना है। आइए बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी सिंपल मास्टर स्ट्रैटेजी सबके लिए, फॉर एनीवन और एवरीवन, राइट। स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड बिग इन्वेस्टमेंट, जिसके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, एक छोटे ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता है, सर हमारे पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, हम कैसे करें, हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजीज दो, हम आपका क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, 10 दिन का हमारा वर्कशॉप है वो आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं सर। भाई, उस क्लास में मैं सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी देता हूं, यहां पे मैं आपको फ्री में स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, तो फ्री में जो दे रहा हूं उसको ले लो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग इन्वेस्टमेंट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इट डजंट रियली मैटर, बोथ कैन सेफली मेक मनी बाय यूजिंग दिस मेथड। This strategy is very easy to execute, very simple. कोई गामा, थीटा, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट, ये वो वगैरह वगैरह, डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, चाइना मार्केट में क्या चल रहा है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। डोंट यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन, जितना बता रहा हूं उतना फोकस करना। Easy to execute and it will definitely boost your confidence in money making. अगर easy होगा तो confidence भी आएगा, ज्यादा कैलकुलेशन इंडिकेटर के पीछे नहीं जाएंगे, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है, राइट। अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को आपको डेली एग्जीक्यूट करनी है। ऐसा नहीं आज कर लिया, दो दिन बाद नहीं किया, तीन दिन बाद, सर मेरे वीडियो को भगा भगा के देखोगे दिक्कत आपको होगी, बीच बीच में मैं अपनी कंडीशंस कहां पे कैसे डालूंगा और लास्ट में स्टे ट्यून विद अस प्रॉपर रूल बताऊंगा, तो इसको भगा के नहीं देखना है। और अभी अगर आप सो के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, तो प्लीज बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो और स्ट्रेटेजी को प्रॉपर नोट करो, नहीं तो बाहर हो नहीं देख पा रहे हो, सेव कर लो इस वीडियो को, और जब रात को घर पे पहुंचे फ्री में बैठ के, फुर्सत से बैठ के, तसल्ली से बैठ के, गार्डन में बैठ के फिर देखिएगा, ठीक है।
तो व्हाट यू नीड स्ट्राइक प्राइस फॉर डेली एग्जीक्यूशन इज चेक डेली बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस और एल्स फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ स्पॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे आपको स्पॉट प्राइस लिख दिया है, ठीक है। एड 300, सपोज करो 33,000 आज का बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, तो 3300 प्लस 300, ठीक है। तो आप देखो, मान लो 33,000 प्लस 300, कौन सा कॉल, 33,300 का कॉल लगाना है। अब इसी में माइनस डायरेक्ट 600 कर दूंगा तो 32,700 का कॉल लगाना है, यानी कि पुट लगाना है, यानी कि प्लस 300 33,000 में, माइनस 300 33,000 में, ठीक है। ऊपर का कॉल नीचे का पुट आपको ये सेलेक्ट कर लेना है सुबह सुबह मार्केट खुलते ही। कब? एग्जैक्ट 10 बजे की टाइमिंग। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। सिर्फ और सिर्फ 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे जैसे क्लोज होगा मार्केट, उस टाइम पे ये कॉल और पुट आपको सेलेक्ट करके अपने मार्केट जो वॉचलिस्ट होती है उसमें लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टूडेज बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस इज 33,000 रुपीज, तो आइए 10 बजे मैंने बताया, गाइस नोट करना, ऑलवेज सेलेक्ट करंट वीकली एक्सपायरी स्ट्राइक ऑप्शंस। आज सपोज करो थर्सडे मार्केट क्लोज हो गया, राइट, तो अब हम कल अगर ट्रेड करेंगे तो जो करंट वीकली एक्सपायरी है उसी के ऊपर बेट करना है, उसी के ऊपर हमें कॉल का या पुट का स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ठीक है। ये याद रखना, मंथली वाला नहीं लेना है, वीकली बेसिस पे जो है वही लेना है, राइट। हाउ टू सेलेक्ट कॉल, स्टेप वन, एड 300 टू बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस, 33,300 हो गया क्योंकि हमने स्टॉक स्पॉट प्राइस 33 लिया था, तो इसमें 300 ऐड कर दिया। स्टेप टू, लिमिट बाई लिमिट ऑर्डर एट 10:05, जब 10 बजे वाला कैंडल क्लोज हो जाएगा, 10:05 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप 9:15 से 10:05 तक जो भी हाई होगा ऑप्शंस का, उस हाई के ₹1 ऊपर बफर लगा के वहां पे अपनी बिड डाल के छोड़ देना। हाउ टू सेलेक्ट पी, स्टेप वन, माइनस 300 कर देंगे फॉर बैंक निफ्टी तो स्पॉट प्राइस क्या आ जाएगा, 32,700 का पी। स्टेप टू, बाय लिमिट ऑर्डर एट 10:05 पे अबव डे हाई 32,700 का पी। तो 32,700 का पी 9:15 पे मार्केट खुलता है, 10:05 तक जो भी पीई का 32,700 का पीई का हाई होगा उस पे मार्क करके छोड़ देंगे, वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देंगे, एडवांस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर को, ठीक है, ₹1 का बफर लगा के एंट्री के वक्त, याद रखिएगा। एंड प्लेस बोथ द ऑर्डर्स एट सेम टाइम। सिंपल है, थम्स अप। चलिए, बहुत सिंपल है बॉस, इजी, बहुत सिंपल, और मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर। इफ एनी वन साइड बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट, सपोज करो मार्केट एक तरफा चला, मैं बात करता हूं ऊपर की तरफ चला, तो कॉल बढ़ेगा, राइट। तो कीप अ ट्रैक ऑफ बैंक निफ्टी, इफ इट्स मूविंग टूवर्ड्स वन साइड देन होल्ड द सपोर्टिंग ऑर्डर। कॉल अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल एग्जीक्यूट हो गया, होल्ड रखो, ओके, एंड कैंसिल द पी वाला जो उसके अगेंस्ट दूसरा ऑर्डर था वो कैंसिल कर दो। नाउ सपोज विद इन 30 मिनट्स इफ योर ऑर्डर इज गिविंग यू लॉस, 10:05 पर आपका ऑर्डर, जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके ऊपर जो भी आपने डाला, 10:05 के बाद जब भी ट्रेड लगेगा, मान लो 11 बजे के आसपास ट्रेड आया, एग्जीक्यूट हुई 11 बजे से 11:30 या फिर 11:30 बजे आया, 11:30 से 12 बजे तक, मतलब समझ रहे, जितने बजे एग्जीक्यूट होगा पोजिशन उसके आधे घंटे के अंदर अगर वो पोजिशन लॉस में चली जाती है तो क्या करना है। इफ योर ऑर्डर इज गिविंग यू लॉस देन वी मूव राउंड टू। राउंड टू क्या है, आइए, नाउ बाय द ऑर्डर विच यू इनिशियली कैंसल्ड, कौन सा किया था, 32,700 का पुट कैंसिल किया था, तो वो इमीडिएट बेसिस पे आपको 30 मिनट तक अगर आपको लॉस के अंदर आ गए, इमीडिएट बेसिस पे उसको बाय कर लो, 32,700 का पुट, जो भी सीएमपी चल रहा होगा सामने से आपको बाय करना है, एंड होल्ड बोथ कॉल एंड पुट टिल 3:15 PM। सिंपल, नहीं समझ में आया, पॉज लो, एक ग्लास पानी पियो, रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखो, फिर आगे बढ़ना। अच्छा, अब मैं हेज क्यों कर रहा हूं, देखो, व्हाई हेज व्हेन वन ऑर्डर फेल, थिंक ट्वाइस, दो बार सोचना है उसको। इफ वी फेल इन 30
एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यस, एक सेकेंड, 32 700, यस परफेक्टली डन। F5 दबा दें, इसको काट दी। यस, व्हाई हैज व्हेन वन ऑर्डर फेल थिंक ट्वाइस। ओके, इफ वी फेल्ड इन 33,000 का कॉल पोजिशन, देन वॉट विल हैपन? अगर फेल होता तो हम क्या करेंगे, क्या होगा? वन साइड, वन अदर साइड, ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड सेम टाइम पुट प्रीमियम विल मेल्ट। अगर कॉल है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था और एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद अचानक से फेल हो गया, नीचे की तरफ आने लगा धीरे धीरे, तो मेरे बड़े भाई सोच के देखो, 600 का डिफरेंस है, 33,000 का, 33,000 स्पॉट प्राइस है, 300 रुपये ऊपर और 300 रुपये नीचे, 600 का डिफरेंस है कॉल एंड पुट में, राइट? तो जब कॉल एग्जीक्यूट होगा और ना वो फेल हो रही है, बाई चांस उसी रेंज में लॉस आने लग गया, मान लो 1,000, 2,000, 5,000, जो भी का लॉस आने लग गया आपको, जहां एग्जीक्यूट हुआ उसके नीचे आने लग गया धीरे धीरे, तो आपको क्या करना था? आधे घंटे का वेट करके आधे घंटे के अंदर अपनी पोजिशन को पुट भी आपको बाई करनी थी, राइट? अब जब नीचे आ रही है, क्या पुट बढ़ेगा? पुट का प्राइस इंक्रीज होगा? नहीं। जब तक वो कॉल, वो जो रेंज था स्पॉट प्राइस का, वो जब तक नीचे नहीं आएगा, पुट के आसपास नहीं आएगा, तब तक वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई मीन टू से पुट प्रीमियम विल मेल्ट, पुट प्रीमियम विल मेल्ट, राइट? क्योंकि ऑप्शंस, जो कॉल था हमारा नीचे आ गया थोड़ा सा और वहीं पे फंसा हुआ है, तो पुट विल रिमेन कांस्टेंट और स्मॉल पी प्रीमियम विल मेल्ट, अप्रोक्स 20-30% आपका मेल्ट हो जाएगा। यानी कि सपोज यू बाई 33,000 कॉल एट 320 एंड फेल एंड स्टार्ट कमिंग डाउन, देन ऑन द सेम टाइम ऑन 32,700 पुट प्रीमियम विल बी कम डाउन बाई 20-30%। ओके, प्रीमियम विल बी ऑलमोस्ट हाफ, थोड़ा सा और नीचे तो ऑलमोस्ट हाफ, या थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। सो वेरी स्मॉल रिस्क, बहुत स्मॉल हो जाएगा आपका रिस्क, एंड बाई एंड हेज द पोजिशन। अगर पुट फेल होती है तो कॉल का जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाएगा। सपोज यू बाई 32,700 का पुट एट 320 एंड फेल्ड एंड स्टार्ट कमिंग डाउन, राइट? देन ऑन द सेम टाइम ऑन 33,300 कॉल विल कम एट नियर डे लो, नियर डे लो के आसपास आ जाएगा, राइट? प्रीमियम विल बी हाफ। सो वेरी स्मॉल रिस्क, बाई एंड हेज द पर्टिकुलर पोजिशन, बाई एंड हैज द पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है? अगर कॉल फेल हुई तो प्रीमियम का, पी का प्रीमियम मेल्ट होगा, राइट? अगर पुट फेल हुआ तो कॉल का प्रीमियम मेल्ट होगा, तो कॉल का प्रीमियम मेल्ट होगा 20-30% इजिली, यू कैन सी मेल्ट होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उस मेल्ट पे आप आराम से बेनिफिट उठा सकते हो, और जैसे ही एक तरफा मूवमेंट होगा सर, पैसा बनेगा। मैं आपको बताऊंगा किस केस में लॉस होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा यार ऐसा तो है नहीं सर, देखो इसमें मैं आपको बताता हूं, तीन तरीके हैं, या तो वन साइडेड हो, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं पैसा बना लूंगा, ऊपर पैसा बनाऊंगा, नीचे पैसा बनाऊंगा। बाई चांस या तो रेंज में फंस जाए या फिर साइडवेज में, अंतर होता है दोनों में, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा, पीपीटी में है मेरे पास कंटेंट। नाउ इट्स टाइम टू बैक टेस्टिंग रिसर्च अकेडमी स्ट्रेटजी, और मैं बने रहिएगा, इसके बाद कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, ओके? अब देखो 10 बजे, ये रहा 10 बजे का टाइम, क्या प्राइस पे क्लोज हुआ 10 बजे? आप देखिए 33,126, ठीक है, 33,126 पे क्लोज हुआ। तो 126 यानी 33,100 के आसपास कैलकुलेट कर लेंगे मोटा मोटी। अब 33,100 प्लस 300 कितना हुआ? 33,400 का कॉल पे का, ओ 33,400 का 1 अप्रैल वाला, मतलब इमीडिएट जो एक्सपायरी होगी मैं उस पे काम करने वाला हूं। अब पुट भी लगानी है, -600 कर दूंगा डायरेक्ट, तो 32,800 आ जाएगा, 32,800 का
पी 1 अप्रैल का आ गया, आ गया। अब आप देखिए, मैं अगर बात करूं ऑप्शंस में, आपको क्या करना है, 25 तारीख को वेट करना है 9:15 से 10 बजे का कैंडल, ये रहा 9:15 से 10। इन इसमें से सबसे हाई कौन सा है, ये हाई है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर देखिएगा ध्यान से, जो इस 10 बजे तक का टाइम है, 10 बजे तक का टाइम क्या है ये, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी हाई होगा, अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टच एनीथिंग एल्स, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या हाई ब्रेक किया, नहीं किया, छोड़ दीजिए। क्या मैं पुट की तरफ जाऊं, ये देखिए, अब मैं पुट की तरफ आपको दिखा रहा हूं और खुद से देखिए, ये 10 बजे का टाइम, ये 10 बजे का टाइम आ रहा है, राइट। अब ये 10 बजे से इतने टाइम फ्रेम में कौन सा हाई बना है, ये हाई बना है, राइट, ये हाई बना है, तो ट्रेड आपका कहीं ना कहीं 11:30 के आसपास आपका ट्रेड एग्जिट किया है। और देखिए, आप खुद से देख सकते हैं सर, ऑलमोस्ट 6:30 से मेड अ हाई 850+, 6:30 से 850+, खुद आप कैलकुलेट कर लीजिए, 250 पॉइंट की रैली ऑलमोस्ट इसमें कल हमारे बैंक निफ्टी में आई थी। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा, ये जो एक्सपायरी थी, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये मैंने कल का एग्जांपल लिया, क्योंकि जबकि एक्सपायरी हमारा चेंज हो गया, तो आप इसमें ब्लफ मत होइएगा, करेक्ट। तो 250 पॉइंट्स वी गॉट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। अच्छा चलो, अब मैं, ये तो अप्रैल का फैक्ट था, अब मैं आपको 25 मार्च का दिखाना चाहता हूं, 25 मार्च का एक्सपायरी, यानी कल एक्सपायरी थी, आज फ्राइडे है बॉस, राइट, कल एक्सपायरी थी, तो कल तक जो था, ये मैंने कल का डाटा का ऊपर लेके लिया है, क्योंकि आज एक्सपायरी खत्म होगी तो डाटा खत्म हो जाएगा, तो मैं मैक्सिमम आई कैन शेयर यू ओनली 1 वीक का प्रॉपर एक्सपायरी, राइट, तो मैं 1 वीक का आपको पूरा दिखाना चाहता हूं। तो 25 तारीख को देखो, 175 से 375 का मेड हाई बनाया था। अब आप 24 मार्च का देखो, 206 से 366 का मेड हाई बनाया, आप ROI खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारा मंत्र सीखो और अच्छे से सीखो। 363 से 530 का मेड हाई बनाया 23 मार्च का, ठीक है, 533 से 678 का मेड हाई बनाया आपका 22 मार्च का, 19 मार्च का आपको मिला है सर ऑलमोस्ट 563 से 850 का लेवल आया है 19 मार्च का, यानी कि बैक टू बैक लास्ट वीक में परफॉर्मेंस छप्पर फाड़ के दिया है, एक भी दिन फेल नहीं हुआ है। क्या 100% है भाई, 100% कुछ नहीं होता है, लॉस तो आपका होगा, इस स्ट्रेटेजी में भी होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे उस लॉस के ऊपर काम करना है, ठीक है। रूल्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 का होना चाहिए। मैं 25,000 किस बेसिस पे ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपका एक्सपायरी से जितना दूर होगा दिन, मतलब आप फ्राइडे को अगर ट्रेड करो तो ऑब्वियसली बात है, 300 रुपए वाला जो ऊपर या नीचे का कर रहे हो, प्रीमियम आपको हाई मिलेगा, राइट। तो मैक्सिमम आपको कितना प्रीमियम मिलेगा, 500 से 600 के बीच में ऑलमोस्ट ये प्रीमियम मिलेगा। तो अगर 500 से 600 के उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको 9,000 से 10,000 रुपए का आपको मार्जिन लगेगा, और कॉल एंड पुट दोनों एक साथ पे आपको बिड लगानी है, तो भैया 9,000 उधर 9,000 इधर, यानी कि 18-20,000 रुपए आपको लगेंगे। स्टिल मैंने 5,000 बफर में लिया है, कई बार 50 ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैंने 25,000 रुपीस आप लोगों के लिए एज अ सेफ लिया है, 25,000 रुपए। अदरवाइज एक दिन पहले एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड करोगे, 2 दिन पहले ट्रेड करोगे ना सर, हार्डली 15,000 के इन्वेस्टमेंट में भी आपका ट्रेड हो जाएगा। लेकिन रोज इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ऐसा नहीं कि जब जागो तब सवेरा, फिर भाई अच्छे अच्छे ध्यान से समझना है, एक इडियट प्रॉपर प्लान के साथ और एक इंटेलिजेंट आदमी विदाउट प्रॉपर प्लान को आराम से फेल कर सकता है, आराम से बीट कर सकता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होना समझदारी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप होना, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना, दैट इज मैटर्स, राइट। तो ROI 500 से 1000% मंथली बेसिस, यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या वाकई में आप बना रहे हो। ओनली 1 ट्रेड डेली, मैंने थंबनेल में भी लिखा है, सिर्फ 1 ट्रेड सुबह सुबह, पूरे दिन बच्चों की तरह सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है, क्या करूं, कौन सा इंडिकेटर देखूं, ये देखूं, वो देखूं, किस चैनल को फॉलो, किसी को नहीं देना, किसी के टिप्स पर नहीं जाना, सिर्फ स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। सर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मजा आया कि नहीं आया। ट्रेड ओनली विद
नियर वीकली एक्सपायरी, ठीक है। ओनली थिंग फॉर द बाई, यहां पे हम राइटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ बाई करने का सोचेंगे। छोटू एंड मोटू प्लेयर्स बोथ कैन मेक गुड मनी फ्रॉम आवर डार्लिंग स्ट्रेटजी, राइट। अब स्टॉप लॉस की बारी, मेरे बड़े भाई, अगर वन साइड कॉल एग्जीक्यूट होती है, फॉर एग्जाम्पल 33,000 का कॉल आपने बिड डाल दिया, पुट भी डाल दिया, ठीक है, जो भी मैंने पहले बताया वीडियो में, 33,300 का पी और सी, 32,700 का पी, दोनों बिड डाल दिया, अब एक एग्जीक्यूट हो गया, कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट हो गया बाई चांस, तो मेरे बड़े भाई 30% का स्टॉप लॉस। सपोज करो ₹500 का आपका वो आया, ₹500 का प्रीमियम है सपोज करो कॉल का, तो 500 माइनस 30% कर दोगे तो कितने का स्टॉप लॉस हुआ, 350 का। स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द स्टॉप लॉस, 350 पे अपना बिट डाल दो, एसएल ट्रिगर होने का बात खत्म, ठीक है। और अगर हेज हुई आपकी पोजीशन, हेज हो गई, मान लो पहले आपने पुट कॉल लिया, अचानक से 5-10 मिनट ऊपर रहा, फिर अचानक से आधे घंटे के अंदर आपको लॉस देने लगा, तो मैंने आपको क्या बताया, पुट भी काम करना है, राइट। मान लो ₹500 कॉल का प्रीमियम, ₹500 कॉल का प्रीमियम, फिर पुट लॉस होने लगा, तो पुट पे भी हमने एग्जीक्यूट किया जिससे कि हेज हो जाएगा। मान लो पुट का प्रीमियम भी ऑलमोस्ट ₹400 लेके चलो, ठीक है, तो 500 प्लस 400 900 होता है, 900 का माइनस 30% कितना हो गया, 630 इज योर स्टॉप लॉस। तो 630 का जो प्रीमियम प्राइस होगा वो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर 630 टच हुआ, एग्जिट फ्रॉम दिस पोजिशन, स्ट्रिक्टली यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। SRM strategy YouTube में मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, दैट इज अ होली ग्रेल स्ट्रेटजी, किस तरीके से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्या मनी मैनेजमेंट होता है, मैं सब कुछ उस स्ट्रेटजी में मैंने बताया है। तो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज फॉलो कर लेना मेरे बड़े भाई। रिवॉर्ड की बात करूं, मिनिमम 50% आई एम एक्सपेक्टिंग, और आपको कितना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50% का ROI मंथली बेसिस पे मिले, इंट्राडे ट्रेड में अगर 50% पे मिल रहा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हो सकता है आपको 100% भी मिल जाए, हो सकता है 150% भी मिल जाए, बट 50% तो मिनिमम आप वेट करो बुक करने का, और मॉडिफाइड स्टॉप लॉस करके 100% तक भी इसको खाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन इसको फॉलो करोगे ना, 100% भी आपको पता चलेगा कैसे 100% भी खाना है, राइट। अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, भाई अगर साइडवेज मार्केट रहा, स्मॉल लॉस विल बुक्ड साइडवेज मार्केट में, और इफ मार्केट मूव्ड अप और डाउन, बिग प्रॉफिट, पावरफुल प्रॉफिट, बोलने वाली बात ही नहीं है। इफ मार्केट मूव्स इन अ रेंज, देन स्मॉल प्रॉफिट विल कम। अगर एक रेंज में रहा मार्केट, अच्छा खासा ऊपर नीचे ऊपर नहीं, तो एक स्मॉल उसमें रहेगा आपका प्रॉफिट। सिर्फ साइडवेज मार्केट में लॉस हो सकता है, तो भैया मैंने यहां पे थंब रूल बताया है, सो इफ यू बुक प्रॉफिट ऑन ऑल अदर 8 days आउट ऑफ 10 days, दो बार ऐसा हो सकता है कि आपको छोटा सा लॉस बुक करना पड़े, रिमेनिंग 8 days बड़ा धमाका आपको मिलने वाला है। हियर चांसेस ऑफ लॉस इज वेरी मिनिमल, इन 10 days ऑफ योर ट्रेडिंग बुक लॉस ओनली 2 days, सो यू कैन बुक प्रॉफिट ऑल अदर 8 days, ओके। डोंट मिस आउट ऑन डेली एग्जीक्यूशन टू मेक प्रॉफिट, ऑलवेज सेलेक्ट करंट वीकली एक्सपायरी स्ट्राइक ऑप्शंस, मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं। वेट, जाना नहीं, सुन के जाओ ये वाला 5 rules ऑफ ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, पेशेंस, फेथ, मनी मैनेजमेंट एंड नॉलेज। डिसिप्लिन किस चीज का, डेली बेसिस पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन आप करोगे, ये मुझसे आप वादा करके जाओ। पेशेंस किस चीज का, अगर एक बार ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ, जल्दीबाजी में काटना है नहीं, थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, निकल 2000 मिल रहा है, निकल 5000 मिल रहा है, निकल, अरे लॉस निकल नहीं रहे हो सर, प्लीज पेशेंस रखो। जो 50% का टारगेट बोला, यू शुड वेट, बैंग ऑन विद योर 50% टारगेट, आएगा अपना बुक करो। और अगर 40-50% आ गया, मान लो 40% तक आया, 50% तक नहीं आया, तो एटलीस्ट मॉडिफाई स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने की क्षमता रखो, कि जो आ रहा था प्रॉफिट अगर वो बाय चांस घूम गया तो आपके जेब से ना जाए, कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए आपके ट्रेड करते हुए। अच्छा, मनी मैनेजमेंट SRM स्ट्रेटजी दी है, वहां जाके आप देख लेना, फिर बता रहा हूं, 1-2 दिन 10 दिन आप करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, सोचोगे अब तो मैं बादशाह बन गया, नहीं भाई,
मनी मैनेजमेंट, आपका कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए ईच एंड एवरी डे, सो दैट आप 10 दिन तक प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सको, ये आपके पास पावरफुल प्लान होना चाहिए। तो इफ़ यू हैव 25,000 रुपीज, सिंसियरली बोलो सर, स्टार्टिंग में आप 10-15 दिन एक एक लॉट में काम करो, कोई जरूरत नहीं है चाहता, अच्छे से बैकटेस्ट करो 15-20 दिन, एक महीना, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, फेथ किस पे? मुझ पे नहीं, अपने आप पर और इस स्ट्रेटेजी पे। इसको अच्छे से बैकटेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो 10-15 दिन, एक फेथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस फेथ डेवलप होगा, होने के बाद अपनी आंखों से आपने देखा है तो अपने ऊपर बिलीव करो और इसको सही से इंप्लीमेंट करो। ये चारों चीजों को मिला के आपको क्या मिलेगा? नॉलेज, और नॉलेज हमेशा अच्छी चीज होती है भाई। कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छी चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा ऊपर जाओगे, ये चीज मेरी बात ध्यान रखना, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। गाइस फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा मोटो लर्न एंड देन अर्न है, सिर्फ एक ही चीज़ आपसे उम्मीद करता हूँ सर, प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वाकई में पावरफुल है। और डेली बेसिस पे इस लिंक के नीचे आप बताना कितना परसेंट आज आपने कमाया, सो दैट जो दूसरे लोग हैं, जो नए आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो नए आने वाले ट्रेडर्स हैं, वो लोग इसको देख के उनको भी आगे चल के हेल्प मिल सके आपके फीडबैक से। दिल से देने की कोशिश करिए, तो दिल से दुआ देना ना भूलेगा। जय हिंद, मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक और। कमेंट सेक्शन बताना अब आपको कौन सी, किसके ऊपर पावरफुल स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड लव यू ऑल, बाय बाय।